अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड डीवाई अपॉन डीएक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का जो है फार्मूला है टेन में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 10 थीटा, तो एक्स की वैल्यू हम 10 थीटा रख लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर हमने एक्स को 10 थीटा लिया है तो थीटा तो हमने माना है, तो जो चीज़ हम खुद मानेंगे उसको तो हटाना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 10 इनवर्स x। ये इंप्लाई करेगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और ये इंप्लाई करेगा 2 थीटा, ये हो जाएगा 2। थीटा की वैल्यू है हमारी 10 इनवर्स x, तो y की वैल्यू आ गई 2 tan inverse x। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 times d अपॉन dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2, ये 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।